नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे पोटैटो ब्लॉक प्रिंटिंग। जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक पोटैटो, एक कटर, इसकी जगह आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश चाहिए होगी, कलर चाहिए होंगे और वाटर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसमें शेप बनाएंगे आलू में, तो इसको बीच से सेंटर से काट लेंगे, जिससे हमारे पास दो ब्लॉक प्रिंटिंग करने के सरफेस मिल जाएंगे। तो हम एक लीफ और फ्लावर बनाने वाले हैं। तो लीफ की शेप बनाने के लिए हम बीच में से कट करेंगे, जैसे लीफ की शेप होती है। आपको कटर और नाइफ बहुत ही ध्यान से चलाना है और अपने पेरेंट्स के सामने इसको करना है, जिससे आपको चोट ना लगे। बहुत ध्यान से इसको कट करेंगे आप। इसके अंदर अब लीफ की शेप देंगे। इस तरह से स्पेस देके आपको डायगोनली इसको कट करना है। इसके अंदर जो अपर साइड होती है वो प्रिंटिंग होती है और जो डाउन चले जाता है वो प्रिंट में नहीं आता। तो आपको यही चीज़ सोचकर प्रिंट करना है। जैसे इस तरह हमने किया, उसी तरह से हम सेकंड साइड भी करेंगे। इस टेक्निक का यूज़ बहुत सी जगह पे होता है, इसको टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर भी बहुत यूज़ करते हैं। अब हम फ्लावर की शेप बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी पसंद से डिज़ाइन कट कर सकते हैं। हाथों को बचाते हुए आपको ये काम करना है। आप इसके अंदर राउंड शेप भी दे सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको काटना है। तो हमारे ब्लॉक्स रेडी हो गए। अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होने चाहिए, जिससे वो फैल जाए शीट पे जाने के बाद। थोड़े से थिक होने चाहिए, पोस्टर कलर और एक्रेलिक फैब्रिक कलर आप भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग फ्लावर को सेट कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें उसको ऐसे प्रेस कर देंगे। आप दूसरे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, फ्लावर्स, दूसरे तरीके के भी फ्लावर्स बना के उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लीफ के लिए ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं पोटैटो में। उसमें कलर लगाने के बाद उसको भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इस तरह से आपको लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे शेप देना चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। बस आपको अपने हाथों का ध्यान रखना है। इस तरह से ब्रश की हेल्प से
हम इसको कनेक्ट कर देंगे,